सब्जी डाल कर आई हूँ, जाके बंद करके आना। सुन, वरना सब्जी जल जाएगी। आप भी ना माँ, एक काम ध्यान से नहीं करती। रुको, मैं बंद करके आती हूँ। इतनी बड़ी हो गई है, कुछ भी काम करना नहीं चाहती। सारा दिन बस ये मोबाइल में लगी रहती है। पता नहीं क्या करती रहती है। जवान लड़के लड़के का ध्यान आजकल सिर्फ मोबाइल में ही लगा रहता है। घर की जिम्मेदारियां तो समझते ही नहीं। अरे ये देखो, महाराज पधारे हैं। प्रणाम करो उनको। ऐसा क्यों बोलते हो? घर में घुसा ही नहीं कि आप चालो। पिताजी को तो मैं आंखों देखा पसंद नहीं हूं। मन करता है सबको छोड़कर कहीं भाग जाऊं। भाग जाएगा? अच्छा, भाग कर जाएगा कहां? रहने खाने का कोई दूसरा इंतजाम है तेरे पास? वो तो राज है, इसलिए घर चल रहा है। वरना मेरे रिटायरमेंट के बाद ना जाने इस घर का क्या हालत होती। जी अब चुप भी हो जाओ, बच्चा ही तो है। हाँ हाँ, 26 साल का बच्चा, पता नहीं कब बड़ा होगा। माँ। हाँ बेटा। जल्दी से खाना लगा दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जा, खाना तैयार होने ही वाला है। हाथ मुंह भी तुम ही धुला दो। ओ देखो, राज भी आ गया। अरे पिताजी, अब क्यों हमेशा कल्याण पर गुस्सा करते हैं? अरे वक्त आने पर वो अपना जिम्मेदारी खुद समझ जाएगा। अच्छा छोड़िए ये सब बातें, आपके लिए एक अच्छा खुशखबरी लाया हूँ। क्या? हमने जो महाजन से पैसे उधार लिए थे, उसे चुकाने की व्यवस्था हो गई है। क्या? पर कैसे बेटा? हमारी जो नदी किनारे जमीन है, उसे महाजन ने 20,000 रुपए में खरीदने को तैयार हो गए हैं। 20,000 रुपए? पर इस जमीन की कीमत तो 50,000 से कम नहीं है। पर बेटा, वो जमीन भी तुम बेच दोगे तो हम खाएंगे क्या?
उसी की फसल से तो गुजारा चल रहा है। माँ, जमीन बिक्री करने के बाद उस जमीन में मैं महाजन के नीचे काम करूंगा। वहां से जो हमें पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा चल जाएगा। और वैसे भी तो हर महीने महाजन को ब्याज देना पड़ता है, कम से कम उससे तो छुटकारा मिलेगी हमें। माँ, खाना तैयार हो गया है। हाँ बेटा कल्याण, खाना तैयार हो गया है। आ रहा हूँ माँ। तो जल्दी से आ जा। राज, तू भी मुँह धोकर जल्दी से आ जाओ। पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में करते। ठीक है बेटा जी। हाँ बेटा, आप भी आइए। कल्याण। हाँ भैया। अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जिम्मेदारियाँ? हाँ, तुम्हें तो पता है ना, अपना घर तो नदी किनारे वाली जमीन से ही चल रही थी, पर अब उसे महाजन को बिक्री करनी होगी। और आगे सीमा की भी तो शादी करवानी है ना। हाँ वो तो पता है भैया, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कानू चाचा से तुम्हारे लिए बात कर चुका हूँ, वो तुम्हें अपने दुकान में रखने के लिए तैयार है। कानू चाचा के यहाँ मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर तू करेगा क्या? शहर जाकर अपना खुद का कुछ। शहर जाकर? पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसके लिए मैंने माँ से बात कर ली है, सब बंदोबस्त हो जाएगा। क्या बात? कल माँ पिताजी से बात करेगी। हमारे घर के कागजात रमेन चाचा के यहाँ गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं शहर में अपनी एक दुकान खोलूंगा। घर के कागजात? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जरूरत नहीं है शहर जाने की, कोई जरूरत नहीं है। तुम अब गांव में रहकर ही सोचो क्या करना है तुम्हें। बस कह दिया मैंने। पर भैया। बोला ना। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खेतों की तरफ देख रहा था, पता नहीं इस बार की फसल क्या होगी। जल्दी आओ। आ रहा हूं भाई। अरे राज, आज इतना उदास दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? क्या बताऊं यार, कल्याण समझने की कोशिश ही नहीं करता। जिद लगाए बैठा है कि शहर जाना है, शहर जाना है। कहता है हमारे घर के कागजात रमन चाचा के यहाँ गिरवी रखकर शहर जाएगा, वहां जाकर दुकान खोलेगा। अब कौन समझाए इसे? शहर जाकर? वो तो गांव में भी रहकर बहुत कुछ कर सकता है। पर गांव में रहकर क्या करेगा? अगर कुछ करने का सोचो भी तो पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार से भाई। सरकार से? अरे राज, हम गरीब किसानों के लिए सरकार ने जितने सारे योजनाएं लागू की है तुम जानकर हैरान हो जाओगे। अगर तुम चाहो तो अपनी जमीन पर कृषि लोन ले सकते हो भाई। अच्छा, पर जमीन तो हमें महाजन को बिक्री करनी पड़ेगी। अरे राज, अगर तुम सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के लाभ उठा पाओगे तो तुम अपनी जमींदार की कर्ज भी चुका पाओगे और साथ ही साथ कल्याण के लिए शहर में दुकान भी खोल पाओगे। पर वो कैसे? क्या वो कैसे, तुम एक काम करो, तुम कल
जाके बैंक मैनेजर सर से मिलो, वो तुम्हें सब समझा देंगे, ठीक है? ठीक है भाई, मैं कल ही जाके बैंक मैनेजर से मिलता हूँ। बढ़िया श्याम, तूने आके मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। चलो ठीक। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। अरे मैंने कहा ना मैं शहर जाऊंगा, तुम बस एक दुकान की व्यवस्था करो। हाँ हाँ। अरे ओ कल्याण, इधर आओ तो। अरे रुको, पिताजी कुछ बोल रहे हैं, मैं तुमको वापस कॉल करता हूँ, रखो। इधर आओ तो। क्या पिताजी? आज पानी की टंकी साफ करना मत भूलना। सुनता नहीं मैंने क्या कहा? पानी की टंकी। कर दूंगा तो। हेलो, हाँ मैं घर पे ही हूँ। क्यों, क्या नई मूवी चौक पर? ठीक है मैं अभी आता हूँ। ठीक है मैं सीमा को ही बता दूंगा। अरे कहाँ जा रहा है? पानी की टंकी। अरे वही साफ करने जा रहा हूँ, आप बस चिंता मत कीजिए, आज पूरी टंकी साफ कर दूंगा। अरे, पानी की टंकी इधर है। अरे झाड़ू लेने जा रहा हूँ। अरे सुनो तो सही। अरे कुछ सुनते ही नहीं। नमस्ते मैनेजर साहब। अच्छा राज, बोलो कैसे आना हुआ? जी मैं आप ही से मिलने बैंक आ रहा था। मुझे? जी। अरे भाई क्यों? जी मैंने सुना है कि सरकार ने हम गरीब किसानों के लिए बहुत तरह की योजनाएं लागू की है, जिसके तहत हम अपने जमीन पर आसान तरीके से लोन ले सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है, और भी कई सारी योजनाएं हैं। एक काम करना, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम शाम को मेरे घर आ जाना। जी ठीक है, वहीं पर सब कुछ अच्छी तरह से समझा दूंगा। जी अच्छा ठीक है, भूलना मत। जी नमस्ते मैनेजर। अच्छा पराठे। क्या माँ, फिर से पराठा और आलू भी? ये सब खा खा के मैं और मोटे हो जाऊंगी, मुझे नहीं खाना। तू नहीं खाएगी ना? माँ इसकी पंती की भी मुझे दे देना। खाओ खाओ, इसमें माहिर हो तुम। पर राज अभी तक नहीं आया, आज इतने देर कैसे हो गई? आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और एक बात, आप मेरे बेटे के खाने पर नजर मत लगा कीजिए। मैं क्यों नजर लगाऊंगा, खिलाओ खिलाओ, पर काम भी तो कुछ करे, काम चोर के ही का। देखो ना माँ, पिताजी फिर शुरू हो गए, इनका बस चले तो बस सुबह से शाम तक मुझसे काम ही करवाते रहे। नौकर हूँ ना मैं, मेरा तो नसीब ही खराब है। अब हम सबका नसीब खुलने वाला है। तू आ गया बेटा? हाँ माँ, और मैं आप सब के लिए खुशखबरी भी लाया हूँ। अच्छा? जी माँ। अरे पराठा क्या बात है, अच्छा हुआ तू जागा हुआ है। अच्छा क्यों, मैं इतनी जल्दी कब सोता हूँ? वो तो कभी कभी काम ज्यादा होने पर। हाँ, हाँ, मालूम है तुम कितना काम करता है। अच्छा पिताजी मैं ये कह रहा था, आज श्याम आया था खेत में, उसने मुझे कहा कि हम अपने जमीन पर कृषि लोन भी ले सकते हैं। कृषि लोन? भैया आपको शायद मालूम नहीं है, कृषि लोन मिलना इतना आसान नहीं है, घूस खिलाना पड़ता है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे बाबा मैं कल बैंक जा रहा हूँ, उधर मैनेजर से बात करके देखते हैं फिर क्या होता है, बात करने में क्या हर्ज है कि नहीं? चल मुझे पराठा खिला, घूस खिलाने आया है। अच्छा तो मैं माँ हाथ धो के आता हूँ, आप मेरे लिए भी लगाइए, ठीक है? मेरे वाला ही खा लेना। ठीक है हम लोग खा लेते हैं। राज बोलो कैसे हो भैया? बस भगवान की कृपा है। सच कहूं तो सही समय पर तुम्हें सब कुछ जानकारी मिली है, वरना आजकल के नौजवानों को देखो, अगर कोई पुराने रीत नीत दलदल में फंसे हुए हैं तो कोई पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ते जा रहे हैं।
फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे भैया वो दिन गया। आजकल सरकार द्वारा दी जाने वाली कई सारी योजनाओं के तहत ना कि सिर्फ अपने को उन्नति कर सकता है बल्कि देश की प्रगति में भी बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं। वरना आज वो दिन कहाँ था, हमारे दिन तो ये सब नहीं था। जी अब ठीक कह रहे हैं। अगर सही समय पर मेरा दोस्त सैम आकर इस योजना के बारे में नहीं बताता तो शायद मैं भी अपना जमीन महाजन के हाथ बिक्री कर इस दलदल में फंस जाता। अब सब आपके हाथ में है मैनेजर बाबू। अरे भैया राज, मुझे इतना बड़ा भी मत बनाओ। मैं तो सिर्फ सरकारी नौकर हूँ और तुम लोगों की सेवा के लिए ही मुझे यहाँ नियुक्त किया गया है। खैर छोड़ो ये सब बातें, अब काम की बातों पर आए। ठीक है सुनो, पहले है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी इंश्योरेंस। अच्छा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है जी। इस बीमा योजना के तहत तुम्हें सालाना सिर्फ 330 रुपया देना है, वो भी तुम्हारी बैंक के खाते में से अपने आप काट लिया जाएगा। तुम्हें खाली ये करना है बैंक में एक खाता खुलवाना है। हाँ अगर पहले से है तो जरूरत नहीं है। इस बीमा योजना के तहत वह बीमाकृत व्यक्ति को उसका अगर किसी भी तरह निधन हो जाए तो उसके घर वालों को 2 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अर्थात एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इस योजना के तहत सालाना सिर्फ 12 रुपया तुम्हें जमा करना है, वो भी बैंक के खाते में से अपने आप काट लिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। इस बीमा योजना के तहत ये होता है, ये जीवन बीमाकृत व्यक्ति को अगर उसका किसी भी दुर्घटना के लिए मृत्यु हो जाए अथवा उसका पूर्णांग रूप से विकलांगता हो जाए तो उसे सरकार के द्वारा 2 लाख रुपया और अगर आंशिक विकलांगता हो तो 1 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। अच्छा अब आया प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बिना 1 रुपया खर्च किए हुए अर्थात 0 बैलेंस पर एक सरकारी बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। ठीक है। अब आया अटल पेंशन योजना। यह है पेंशन योजना। इसके तहत 18 से लेकर 40 साल की कोई भी व्यक्ति एक निर्धारित राशि जमा करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके ठीक 60 साल होते ही उसे हर महीने वो जो निर्धारित राशि वो जमा किया था उसके आधार पर 1,000 से 5,000 रुपए तक हर महीने उसे पेंशन की तौर पर दिया जाएगा। ठीक है जी। और अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर उसका निधन हो जाए तो उसको जिसको उसने उम्मीदवार बनाया उसे वो रुपया देती जाएगी। ठीक है। और भी कई सारे समझ लो मुद्रा लोन, कृषि लोन की बात कहते हुए एक बात समझ में आए। राज जी तुम एक काम करना, कल तुम्हारा जमीन की कागजात की एक कॉपी मुझे दे कर जाना। ठीक है। हाँ जी। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि जमीन के कागजात के द्वारा कैसे कृषि लोन लेकर तुम सिर्फ जमींदार की कर्जा चुका ही नहीं बल्कि अपना बहुत कुछ नया भी कर सकते हो। जी मैनेजर साहब
आपने ये सब बता के मेरे ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी। आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हाँ, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। शर्त? मैं समझा नहीं। अरे भैया डरो मत, मैं तुम्हारा कोई जमीन जायदाद या रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम जैसे आज जागरूक हुए हो, वैसे ही इस गांव की हर एक नौजवान जागरूक हो, और इस काम में मुझे तुम्हारा सहायता चाहिए। जरूर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। मैनेजर साहब, बस अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं आज से ही जुट जाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया मैनेजर। अरे कुल्लन कहाँ गया है? मैंने आज उसे पानी की टंकी साफ करने को कहा था। वो तो सिनेमा देखने गया है, भूल गया होगा शायद। तो हमेशा उसे पासा मत रहा करो। ओ भैया, मूवी कैसी थी? तू जाती तो बहुत अच्छा लगता, मजा आ गया। मूवी इतनी अच्छी थी कि। और पानी की टंकी सब करने को कहा था ना? कर दूंगा तो। अरे माँ, मेरे जूते नहीं मिले आज, कहीं रखे थे क्या? वो टूट गया था ना। हाँ। मैं मोचिको ठीक करने दे के आई। वाह, कल लेके आऊंगी। ठीक है, तुम बस इसका काम करती रहा करो, पता नहीं ये कब अपना काम खुद करना सीखेगा। पिताजी, पिताजी। अरे वाह, आज सब एक साथ। माँ, आज तो आपको मुंह मीठा करवाना ही होगा। क्यों? अच्छा, वो क्यों बेटा? आप दोनों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। क्यों, क्या हुआ? ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनो। अरे सीमा, सुन रही हो ना? हाँ हाँ। आज मैं बैंक गया था मैनेजर बाबू से मिलने, उन्होंने कहा हम अपनी जमीन पर कृषि लोन ले सकते हैं और साथ में जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा भी करा सकते हैं। अगर भगवान ना करे हम में से किसी को कुछ हो जाए तो आपातकालीन समय पर हम कुछ पैसे भी उठा सकते हैं। हाँ हाँ, दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा सुना है मैंने, इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो लोगों से बड़े बड़े सपने दिखाकर पैसे ले लेंगे और फिर बस ऑफिस के चक्कर लगाते रहो, ये सब बेकार है। नहीं भैया, स्नेहा ने भी अपनी माँ का दुर्घटना और जीवन बीमा की है, और मैंने सुना है 12 और 330 का जो योजना है वो भी बहुत अच्छा है। मैं सब जानता हूँ, लोगों से पैसा वसूलने का अच्छा तरीका निकाला है सरकार ने। मैं कहता हूँ ना, ये सब बेकार है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कल मैनेजर बाबू अपने घर आ रहे हैं, आप लोग के मन में जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग सब जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें रमेश चाचा के घर शादी पे जाना है। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। इसे तो बस घर से बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए। चलो चलो, चलो, चलो। अरे भैया, राज भैया अगर कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही तो करेंगे, और इन सुविधाओं से अगर हमें लाभ मिल जाए तो अच्छा ही है। लाभ? तुम्हें समझाना तो पत्थर पर सिर मारने जैसा है, लाभ तो सिर्फ बड़े लोगों को मिलता है। हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने कितनी मुश्किल से ये घर बनाए हैं और तू इसे गिरवी रखने चला। तो क्या मैं अपने सपने भूल जाऊँ? कल्याण भैया। अरे भैया, आप लोगों के लिए ही तो है ये सारे योजना, सिर्फ आप लोग जागरूक हो और आगे बढ़ो बस।